नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अजमेर के विजयनगर में सेवानिवृत्त अध्यापक महेश चंद्र धनोपिया का 84 साल की उम्र में निधन के पश्चात देहदान करवाया गया। बता दें कि करीब 7 साल पहले अध्यापक ने देहदान का संकल्प लिया था, इसलिए उनकी इच्छानुसार उनकी देह को दान कर दिया गया। भारत विकास परिषद की प्रेरणा से उनके पुत्र राजेश धनोपिया की सहमति से देहदान करवाया गया। उनके देह को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को सौंप दिया गया है। वहीं अब उनकी बॉडी पर मेडिकल के छात्र शोध कर सकेंगे। रामगढ़ पचवारा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली सड़क पानी की समस्या को लेकर मंत्री को अवगत करवाया। मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान कोली मोहल्ले में सामुदायिक भवन का पट्टा जारी करने को लेकर सरपंच को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर निरीक्षण किया। जल मिशन का काम टाइमली हो, पानी की कहीं प्रॉब्लम नहीं रहे, वहाँ पर जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तुरंत टैंकर लगाए। कैटल सेट का भी जेटीओ जो है छुट्टी से आएंगे, कैटल सेट की सारी फाइलें मंजूर कर देंगे। और स्कूल का काम भी देखा, काम बालिका स्कूल का काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसे सुधारने के लिए कमेटी बना रहे हैं, कलेक्टर साहब एक कमेटी बना रहे। साइबर सेल पाली और सोजत रोड पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में राह चलती वृद्ध महिलाओं और पुरुषों से लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें कबूली हैं। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले 1 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सभी आभूषणों को बेचकर महंगे मोबाइल खरीदते और पार्टियां करते थे। पुलिस अब लूटे गए गहने बरामद करने के लिए प्रयास में जुट गई है। जिसमें मुख्य अभियुक्त शाहरुख है जो देवरिया गांव जयकरण थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके 3 सहयोगी हैं और एक साथ में ज्वेलर जो ये माल खरीदता था, सभी को राउंडअप कर लिया गया है और डिटेल्ड अभी इन्वेस्टिगेशन इनसे की जा रही है और भी काफी वारदातें इनसे खुलने की संभावना। महंगे आईफोन की खरीद के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर करीब 40 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। गिरफ्तार बदमाश बड़े शातिर हैं जिनकी करतूत सुनकर हर कोई दंग हो रहा है। ये फ्लिपकार्ट कंपनी को असली आईफोन के बदले डमी यानी नकली आईफोन लौटाकर करीब 40 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। वे ऐसे असली आईफोन ऑनलाइन खरीदते हैं, डिलीवरी बॉय से सेटिंग करते हैं और नकली आईफोन लौटा देते हैं। ऑर्डर कैंसिल करते हैं, ऑर्डर कैंसिल होता है तो पैसा वापस अकाउंट में आता है। ऐसे में नया आईफोन भी आ जाता है और पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के भवानीपुरा मोड़ पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक युवक जगदीश मीणा दही खेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बाड़मेर जिले के समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय डाक विभाग जेठंत्री के पोस्टमास्टर ने भारतीय डाक विभाग के बारे में बच्चों को विस्तारपूर्ण जानकारी दी, जिसमें सुकन्या, PPF, SB आदि बचत खातों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को खाता खोलने के लिए आह्वान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के व्याख्याता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के अराई उपखंड की ग्राम पंचायत कालानाड़ा के ग्राम धौलपुरिया में जलदाय विभाग की घोर लापरवाही से भीषण गर्मी के दौर में जल संकट गहराता जा रहा है। गांव की एकमात्र लाइफलाइन हैंडपंप और सार्वजनिक कुआं है। सार्वजनिक कुआं सूखने के कगार पर है और हैंडपंप 8 दिन से खराब पड़ा है, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को करने के बावजूद भी जलदाय विभाग मूक दर्शक बनकर बैठा है। बीसलपुर परियोजना से हर 4थे से 5वें दिन 2400 की आबादी वाले गांव में मात्र 10 से 15 मिनट पानी कम दबाव से आ रहा है, जिससे पीने के पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है। सरमथुरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरमथुरा की संगठन चुनाव हेतु मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी भीकाराम चौधरी के नेतृत्व में हुआ। वहीं मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा के नाम पर सहमति दी। वहीं PCC सदस्य के लिए एडवोकेट योगेश शर्मा के नाम पर सहमति बनी।
पीपलखूंट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पीपलखूंट की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीकानेर से आए मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रभारी बीआरओ अशोक मुड़िया और पूर्व संसदीय सचिव मंत्री नाना लाल निनामा उपस्थित रहे। और मुझे पीपलखूंट के अंदर इसलिए नियुक्त किया गया था कि मैं यह बूथ लेवल की जो कार्यकारिणी है उनको बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। बूथ को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे पता लगा सकूँ कि कौन है जो बूथ के लायक है, जो पार्टी को मजबूत कर सकता है, कौन कांग्रेस की पार्टी की रीति नीतियों को आम जन तक पहुँचा सकता है। इसके लिए मुझे निर्देश पार्टी कांग्रेस कार्यालय से जयपुर से मिले, उसके लिए मैं पीपलखूंट आप सबके बीच आया हूँ। रावतसर में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार रावतसर पहुंचे और बीआरओ हरीश चंद्र कासनिया को आवेदन सौंपे। बीआरओ हरीश चंद्र कासनिया ने बताया कि रावतसर ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 आवेदन आए हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों को पीसीसी भेजा जाएगा, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व वाली कमेटी इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगी। आज रावतसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पीसीसी के द्वारा बीआरओ लगाए हुए भाई हरीश चौधरी आए हैं और उन्होंने रावतसर ब्लॉक की मीटिंग ली। बहुत ही अच्छे वातावरण के अंदर पूरी मीटिंग संपन्न हुई। सब ने अपने अपने विचार रखे और प्रभारी जो हमारे बीआरओ हैं उन्होंने कहा कि जो जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना अपना आवेदन दे दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।